find foot of perpendicular drawn from AR1 on R equals to A vector plus lambda B vector. Okay, काफी interesting problem है और मुझे लगता है one of the important part है. इससे concept भी clear होगा and कैसे मैं solve करता हूँ foot of perpendicular vectors में या complex में इसी technique से हम निकाल सकते हैं. ध्यान से समझिए, अगर ये मुझे लाइन दी है इसका मतलब क्या है, देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड लाइन इज पैरेलल टू ऑफ फ्री वेक्टर बी वेक्टर, ये मुझे दिया है एंड ये भी मालूम होना चाहिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा वन पॉइंट एग्जिस्ट लाइक आर वेक्टर, ठीक है ना. एक पॉइंट कोई ए दिया है, इसको ए वन मान लेते हैं, ए वन मान लेते हैं, ए वन पॉइंट दिया है जिसका पोजिशन वेक्टर आर वन वेक्टर है एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट ए नॉट है, इसका पोजीशन वेक्टर मुझे कैलकुलेट करना है, आर नॉट मान लिया मैंने. तो ध्यान से समझिए कि कंसेप्ट क्या है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा वन पॉइंट एग्जिस्ट लाइंग ऑन अ लाइन, लैम्डा की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक पॉइंट होगा आर वेक्टर जो लाइन पर लाई करेगा और किसी न किसी लैम्डा लेट लैम्डा नॉट के लिए आर नॉट आ रहा है. तो पहली इक्वेशन चाहे कहीं पर भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़े तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो लाइन पर लाई करेगा, तो उसका मैंने ये यूज कर लिया, लेट उसके लिए लैम्डा नॉट है और बी वेक्टर है, सही है. तो देयर इज अ यूनिक लैम्डा नॉट फॉर विच दिस पॉइंट आर नॉट लाइज ऑन दिस लाइन फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अब नाउ टारगेट क्या है कि लैम्डा नॉट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो दूसरी जो इंफॉर्मेशन है ये एंगल 90 होगा, ये मैं यूज नहीं किया अभी, तो ये एंगल 90 होगा तो ये वेक्टर मेरे पास कितना आएगा आर वन माइनस आर नॉट, सही है. और ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया ए नॉट ए वन वेक्टर आ गया, इट इज ए नॉट ए वन इज परपेंडिकुलर टू लाइक दिस लाइन, तो इट मींस डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना आएगा, जीरो आएगा. कंसेंट्रेट करिए कि अगर आपको ये लाइन मालूम है तो ये आपको ये भी मालूम होगा कि इट इज द लाइन दैट पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड लाइन इज पैरेलल टू फ्री वेक्टर बी वेक्टर, ओके. एंड फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट लाइंग ऑन अ लाइन, एंड जो दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने यूज की है ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ओके. नाउ ये लैम्डा नॉट मैंने यहां से रिप्लेस किया तो ये मेरे पास कितना आएगा, आर नॉट रिप्लेस किया तो आर वन डॉट बी वेक्टर माइनस आर नॉट का मतलब क्या होगा, ए प्लस लैम्डा नॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसा कुछ आएगा इक्वल्स टू जीरो. तो यहां से अच्छे से देखिए लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, आर वन डॉट बी भाई आर वन नोन है ओके माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ओके. ये अगर मुझे लाइन नोन है और ये पॉइंट नोन है इट मींस ये नोन है लैम्डा नॉट एंड इस लैम्डा नॉट के लिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑब्टेंड हो जाएगा. एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर मुझे कैलकुलेट ही करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको अच्छे से देखिए, आर नॉट मेरे पास क्या आ चुका है, अच्छे से देखना आर नॉट क्या आ चुका है, ए प्लस लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट को क्या लिखा जाएगा आर वन डॉट बी माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा इन टू बी वेक्टर, ये मेरे पास आर नॉट आ चुका है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और मुझे लगता है ये समझ में आ गया है. एंड अगर आपको कभी इसकी इमेज निकालनी पड़े तो वो भी निकल सकती है, इसकी इमेज यहाँ पे आर टू होगी और मेरे पास क्या आ जाएगा आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू बाई टू इक्वल्स टू 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 आर नॉट आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, तो ये नोन है, ये नोन है तो ये भी मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, ओके. तो सेम अप्रोच है, एक एक तो क्या है मेरे पास पॉइंट लाइज ऑन द लाइन उसका यूज किया है एंड दूसरी बात जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो वो लाइन सेगमेंट ए ए नॉट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, ओके. तो अगर आपको लाइन की इक्वेशन मालूम है उसका मीनिंग मालूम है और ध्यान से नहीं भी मालूम है तो आप समझ सकते हैं
कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये क्या देता है मुझे, लाइन देता है जो कि ए से पास होती है, और लाइन क्या होती है, पास पैरेलल टू बी वेक्टर, एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन, एंड फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट लाइंग ऑन अ लाइन। ओके, लाइन का आइडिया है तो आप आसानी से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीख चुके हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। ओके,